space in a, what is the definition of a subset? Is a bounded subset of a metric space. Bounded, this is the definition. Bounded subset A of a metric space X. What is the definition? अब कोई सेट A है, A को बाउंडेड तब कहेंगे, A is said to be a bounded set. A is said to be bounded. There exists a positive integer T such that A is contained in. A जो है वो किसी open ball के अंदर पड़ा हो और उस open ball का नाम है यहाँ पे लिया उन्होंने P is the center and T is the radius. ठीक है, तो it means यहाँ पे अब आपका possibility है कि P यहाँ पे भी आ सकता है. ठीक है, यहाँ आपकी possibility क्या है कि जहां आप आपका आपने सबसे पहले एक बॉल बना ली. ठीक है, दिस इज अ पी विद रेडियस क्या है, दिस इज पी सॉरी एंड दिस इज अ रेडियस टी और आपका सेट जो है वो यहाँ पे आ रहा है. कहीं भी आ सकता है बेटा, ये सिर्फ जस्ट एक इमेजिनेशन है कि हम सेट जो है, क्वेश्चन बस यही है कि ए जो है वो बॉल के अंदर आना चाहिए. ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हम डाल रहे, पी ए के अंदर आएगा या नहीं आएगा. द क्वेश्चन इज दैट कि ए सेट पूरा का पूरा जो है वो बॉल के अंदर आएगा, देन द सेट ए इज सेड टू बी अ बाउंडेड सेट. राइट, सो दिस इज अ डेफिनेशन रिलेटेड टू द बाउंडेड सेट इन अ मैट्रिक्स स्पेस. नाउ वी विल गो फर्दर. नेक्स्ट थ्योरम, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थ्योरम. एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ subset of a metric space is closed and bounded. जो compact है वो closed और bounded है. Real life में जो compact है वो closed और bounded भी है, और जो closed और bounded है it is always compact. So let's start the proof. मान लो हमने K एक कॉम्पैक्ट सबसेट ले लिया यूजुअल मैट्रिक स्पेस. लेट K बी अ कॉम्पैक्ट सेट इन अ यूजुअल मैट्रिक स्पेस एक्स ट्री. राइट, नाउ व्हाट टू वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव दैट. टू प्रूव क्या है, K इज अ क्लोज सेट इन X. हमें प्रूव क्या करना है, K इज अ क्लोज सेट इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स ट्री. राइट, अब क्लोज इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द ओपन सेट. सो इफ K कॉम्प्लीमेंट, but that is what we want to prove, that K complement is open set. अगर K को हम complement को open prove कर देंगे तो हमारा K जो है वो closed हो जाएगा. ठीक है जी, so अगर K complement खाली है तो पता है empty set is always an open set. So let us suppose if K is complement is not equal to 5. अब it is not empty, it means something will be there. तो मान लिया let X belongs to K complement. तो ये फिगर एक बना लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए व्हाट वी आर डूइंग. वी हैव टेकन अ सेट K, दिस इज K, इट मींस ये जो सारा पोर्शन है वो सारा K कॉम्प्लीमेंट है. सो पॉइंट मेरा किस में है, कॉम्प्लीमेंट में. सो X बिलोंग्स टू K कॉम्प्लीमेंट बी एनी पॉइंट. राइट, X ने लिया बेटा, उन्होंने Y लिया है, लेट अस टेक Y हियर. राइट, तो हमने X क्यों नहीं लिया, Y वी हैव नॉट टेकन X. We will take any other point X. हम दूर से कोई और पॉइंट ले लेंगे. ठीक है, सो हमारा जो K कॉम्प्लीमेंट खाली है, X जो है X कॉम्प्लीमेंट में है. I'm doing a let X belongs to K कॉम्प्लीमेंट. ठीक है जी, इट मीन्स X जो है वो K में नहीं है. ठीक है, X doesn't belongs to K. तो K में कौन पड़ा है, K में हमने क्या ले लिया, Y ले लिया. सो लेट Y एक पॉइंट है जो K में पड़ा है. ठीक है जी, अब Y इज टोटली, देखो Y इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम X. मैं दोबारा इसको फिगर आउट करती हूँ, फिगर बना रही हूँ इसकी. मैं क्या किया, हमने यहाँ पे ये सेट लिया जिसका नाम K था, दिस इज K. हियर इज अ पॉइंट Y आई हैव टेकन. Right, the rest portion is K complement. Here I have taken X. Now Y belongs to K and X belongs to K complement. So both points are totally different from each other. X is not equal to Y. And the theorem states if two points are different, then they have disjoint open neighborhoods. So iska matlab yahan pe ek jo ball banegi, yahan pe ek jo ball banegi, in dono ki intersection aapas mein kya hogi,
फाइव हो गई, और ये इन दोनों के बीच का क्या है डिस्टेंस, राइट। सो वही हमने किया, सो वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। Now we know that if we have two distinct points, I have already said, then there exists a disjoint neighborhood of that points. So, जो neighborhoods का नाम है, इसके neighborhood का नाम ux रख दिया, इसकी neighborhood का नाम हमने रख दिया vy. क्या नाम रखा हमने? vy, right? So coming to the next screen, let ux and vy be the open neighborhoods of x and y respectively, right? Each of radius, बेटा अगर मैं radius बहुत बड़ा ले लूंगी ना तो फिर मेरी ये जो मेरा concept है ये fail हो जाएगा। Ball का मतलब ही क्या है, neighborhood का मतलब ही है कि आप radius बहुत छोटा लेके एक ball बना रहे हैं, so that is taken as half of the distance between x and y, क्योंकि आपका x यहाँ पे पड़ा है, y मेरा यहाँ पड़ा है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, मेरा डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई है, तो इनका जो हाफ डिस्टेंस लेके अगर आप बॉल बनाते हैं बेटा जी इस तरह से, तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आएगी दैट विल बी एम्प्टी, राइट। सो देयरफॉर यूएक्स इंटरसेक्शन वी वाई इज इक्वल टू फाइव, राइट। अब वाई कहां से आ रहा है, वाई कहां से आ रहा है बेटा, y आ रहा है हमारा k में से, y कहां से आ रहा है, k में से आ रहा है, ये तो ओपन बॉल है ना। एक्चुअली जो आपकी फिगर थी वो यही थी कि आपने सबसे पहले क्या लिया था, एक आपने k सेट लिया था, दिस इज k, उसमें एक पॉइंट आपका y था, और y में से आपने ये बॉल बनाई, ठीक है। तो ये एक पॉइंट नहीं है, यानी कोई भी पॉइंट y हो सकता है, इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो y हो सकता है आपका, इज इट क्लियर। तो जितने सारे पॉइंट्स है बेटा y, सारे मिला के वो k का एक ओपन कवर बन जाएंगे, उसके साथ जो रिलेटिंग ओपन नेबरहुड से। ये देखो ना, मैं भाई यहाँ भी लिया, मैं वहीं ना लूं तो भी एक बॉल बन जाएगी, यहाँ भी बॉल बन जाएगी, यहाँ भी बॉल बन जाएगी, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स हैं उतनी बॉल्स हैं, उतनी बॉल्स, इसका मतलब k जो है वो सारी ओपन बॉल्स की यूनियन से कवर हो रहा है। सो इट इंप्लाइज ये जो कलेक्शन आपके पास आई वी वाई ओपन नेबरहुड्स की, वाई बिलोंग्स टू के, ये क्या काम कर रहे हैं, दिस इज द ओपन कवर ऑफ के, ये के ओपन कवर का काम कर रहा है। तो के क्या है, के कॉम्पैक्ट है, तो इसका क्या होगा, एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। सो इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा मतलब के इज कंटेनिंग यूनियन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन वी वाई आई, ओपन कवर कौन था, वी वाई था, तो की के पहले क्या था, यूनियन, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वाई, y belongs to k, और यहाँ पे आएगा v, ये ओपन कवर था, और k क्या है, कॉम्पैक्ट है, तो ये आपका क्या बन गया, फाइनाइट सब कवर, ठीक है जी। और इसका नाम हमने v रख दिया, राइट। और यूनियन, ये यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स है बेटा, क्योंकि जो नेबरहुड्स हैं वो बॉल्स ही होती हैं, तो ये ओपन सेट्स होती हैं, तो ये आपके पास क्या बन गई, ओपन सेट की यूनियन। आपको पता आर्बिट्री यूनियन या फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, तो वी भी आपके पास क्या बन गया, वी इज अ ओपन सेट। सो के इज कंटेन्ड इन वी, और वी क्या हो गया, ओपन सेट, राइट। चलो नेक्स्ट, अब दूसरी तरफ जो यू वाई आए हैं, यू वाई आए और यू वाई टू, सोन आप टू यू वाई एन, सो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं बेटा जी, सेटिस्फाइंग। देखो अब आपके पास ये था, यहाँ पे बेटे यहाँ पे आपका के कॉम्प्लीमेंट था, मैं दोबारा फिगर बना रही हूँ, बार बार फिगर बनाने से ही आपको क्लैरिटी होगी। ये के था, दिस इज के, के अंदर कोई पॉइंट आपने वाई लिया, उससे बॉल बनाई, ये सारे पॉइंट जो है ये बॉल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब के कॉम्प्लीमेंट में जब आपने कहा कि हमने एक एक्स पॉइंट जो था वो के कॉम्प्लीमेंट में लिया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक वाई पॉइंट के में लिया, तो ये सारे पॉइंट्स है वाई वन वाई टू वाई थ्री सोन अप टू वाई एन, इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास पॉइंट क्या पड़े हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सोन अप टू एक्स एन, हर वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग पड़े हैं। और जब आप उनकी ओपन बॉल्स बनाएंगे बेटा जी के, उन सबकी इंटरसेक्शन इन बॉल्स के साथ क्या आएगी, फाइव। तो यही लिखा है उन्होंने कि लेट यू वाई वन यू वाई टू सोन अप टू यू वाई एन विद द कॉरेस्पॉन्डिंग यू वाई आई इज कंटेनिंग द पॉइंट एक्स,
सेटिस्फाइंग नंबर वन. नंबर वन का मतलब कि उनकी इंटरसेक्शन क्या आपस में खाली है. सो दैट यू एक्स आई इंटरसेक्शन वी वाई आई इज इक्वल टू फाइव फॉर ऑल वन टू थ्री सोन अप टू एन. ठीक है, अब जितने यू आईज हैं उनकी इंटरसेक्शन लेनी. इंटरसेक्शन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन, यू U आपके पास जो है यू एक्स आई है, दिस इज यू एक्स आई. आप बुक में टिक कर लीजिए, यहाँ पे यू वाई आई लिखा है उन्होंने. सो जितने भी आपके पास यू एक्स आई ओपन बॉल्स आई हैं उनकी इंटरसेक्शन कर ली. राइट, एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन नेबर एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन बॉल्स इज एन ओपन बॉल. तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक ओपन नेबरहुड या ओपन सेट. तो ये भी आपके पास बन गई ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स. So, अब हमारा क्लेम है यू और वी. देखो यू आपने क्या बनाया था, व्हाट वाज यू, यू इज इक्वल टू क्या था, व्हाट इज यू, यू इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन यू एक्स आई. राइट, एंड व्हाट इज वी, वी इज इक्वल टू यूनियन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन वी वाई आई. तो आर क्लेम इज नाउ टू प्रूव यू इंटरसेक्शन वी इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू फाइव. कि ये जो बड़ी नेबरहुड बन गई हैं उनकी जो इंटरसेक्शन है वो आपस में क्या आएगी, फाइव. मान लिया लेट पी एक पॉइंट ले लिया दोनों के इंटरसेक्शन में. ठीक है, तो पी पॉइंट बच्चे यू में भी आ गया और पी पॉइंट वी में भी आ गया. पी किस में आया, यू. यू कौन है, इंटरसेक्शन. और पी किस में आया, इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी यूनियन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन वी वाई आई. अब पी इंटरसेक्शन में आया, जो इंटरसेक्शन में आता है इसका मतलब ये हुआ कि वो हर एक में आएगा. इट इम्प्लाइज पी बिलोंग्स टू यू एक्स आई फॉर ऑल आई. ठीक है जी, एंड और यूनियन में आ गया, इसका मतलब पी बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन V, y, I. कम से कम वो एक में आएगा. ठीक है जी, सो इट इम्प्लाइज. अब ये किसी एक में आ रहा है बेटा, ये जो है ये अब इंटरसेक्शन हर एक में आ रहा है, ये जो है हर एक UXI में आ रहा है. सो हम मान लेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड P जो है दैट बिलोंग्स टू, यहाँ हमने क्या स्पेसिफाई किया है इन्होंने, वेरिएशन किसकी चल रही है, XI की. तो U X Y ले लेते हैं. ठीक है, और यहां हम ले लेते हैं Q P belongs to V Y X. किसी एक में आ रहा तो हमने उस तरह से उसको स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है, सो देयरफॉर अब इसके बाद अब हमें पता है कि दोनों की इंटरसेक्शन जो है, सो P जो है बेटा दोनों में आ गया. P जो है वो किस में आ गया, U मैंने क्या लिया था यहाँ पे एक्स वाई, और किस में आ गया V Y, वेरिएशन कौन सी चल रही थी, वाई के लिया ना उन्होंने यहाँ पे, यू एक्स के आना था बेटा यहाँ पे. दिस इज एक्स के एंड दिस इज वी वाई के. दोबारा इस स्टेप को दोबारा कर देती हूं मैं. P था बेटा, P बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I रनिंग फ्रॉम वन टू एन U एक्स आई. यू वी आई है बेटा, ओह एक्चुअली व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या कर दिया, एक्चुअली जो वेरिएशन थी ना, जो अब की आपके नेबरहुड्स का नाम ही यही था, उन्होंने नेबरहुड्स का नाम क्या रखा है, यू वाई एंड यू वाई. ओके, सो यू वाई इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, वो कंफ्यूजन कर दी उन्होंने, वी वाई इज द नेबरहुड ऑफ वाई. एक्चुअली मैं इसी को ही क्या लेके चल रही हूँ, यू एक्स लेके चल रही थी. This is the neighborhood. जो as it is है, देखो अगर आप शुरू से इसको यू एक्स रखते हो then your proof is correct. ठीक है, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे. बुक में उन्होंने यू वाई और वी वाई नाम दिए हुए हैं. क्लियर, तो जहां भी आपका इंटरसेक्शन आ रहा है ये आपकी कली, यहाँ पे यू वाई आई आना, क्योंकि नाम ही इन्होंने ये नेबरहुड का नाम ही ऐसे रखा हुआ है. राइट, सो दिस इज फाइन. तो दिस इज पी बिलोंग्स टू दिस एंड पी बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन वी वाई आई. तो P जो है वो इसका मतलब हर यू वाई में आ रहा है फॉर ऑल आई, और P जो है वो किसी एक वी आई वाई में आ रहा है, और I जो है आपका वन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन है. तो किसी हमने मान लिया P जो है यहाँ आ रहा है यू वाई के में,
और यहाँ ले लिया हमने वी वाई के में, ठीक है जी। इसका मतलब यू वाई के दोनों में आ गया, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, यू वाई के और वी वाई के इंटरसेक्शन खाली नहीं है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर यहाँ पे एक वाई पड़ा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक एक्स के, अगर वाई के पड़ा है और वहां पे अगर एक्स के पड़ा हुआ है तो दोनों के जो नेबरहुड होंगे उनके इंटरसेक्शन आपस में खाली होगी, ठीक है। ये हम ऊपर से अज्यूम करके आ रहे हैं, सो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यू इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू फाइव। So when A intersection B is equal to 5, पहले भी आपको बताया था, then A is contained in B complement. It implies U is contained in V complement. ठीक है जी? And where V किसमें था? V is contained in K. तो इसका मतलब नहीं, V is contained in K था और V is a superset of K. K is, आप बताइए मुझे कि K contained in V है कि K V is contained in K है, V is contained in K है, V मतलब नेबरहुड, बेटा हमारे पास है V is a superset of K, that is K is contained in V. It implies जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये जो है साइन चेंज हो जाएगा। सो आप देखिए यहां से क्या बनेगा, इट इम्प्लाइज दिस इज कंटेन्ड इन के कॉम्प्लीमेंट, तो देयरफॉर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के कॉम्प्लीमेंट देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल या ओपन नेबरहुड यू ऑफ एक्स such that x belongs to u and u is contained in k complement. आप शुरू से याद करो x किस में था, k complement में लिया था, बनानी क्या थी उसकी, एक ball, open neighborhood, और यहाँ पे open neighborhood का काम कौन कर रहा है, u कर रहा है, जो किस में contained होनी चाहिए थी, k complement में. So therefore k complement is an open set, implies k that's all. So this is the first part of the theorem.